ई इनवॉइसिंग में अगर आपको ई इनवॉइस अपने डायरेक्टली बिलिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी से जनरेट करनी है, तो आपको पहले ई इनवॉइस की साइट में जाके एपीआई क्रेडेंशियल्स क्रिएट करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि कैसे एपीआई क्रेडेंशियल्स हम लोग को क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले आपको ई इनवॉइस 1.gst.gov.in वेबसाइट पे आना, जैसे कि आप यहाँ पे यूआरएल देख रहे हैं। उसके बाद जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज पॉपअप होगा। इसमें आपको अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है। ये यूज़र आईडी पासवर्ड वही है जो आप लोग पुराना ईवे बिल की साइट में जो आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके ईवे बिल बना रहे थे, सेम आईडी पासवर्ड आप लोग यूज़ कर लेंगे। अगर कोई कंपनी या फर्म ऐसी है जिन्होंने पहले कभी भी ईवे बिल नहीं बनाया है, जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, तो उन लोगों को आके नया आईडी पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप इस पेज पे लैंड करेंगे और ये आपका मेन इनवॉइसिंग का डैशबोर्ड पेज है। अब हमको इसमें नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये पता करना है कि हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर क्या है, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। तो ये आप आइकन देख रहे हैं, इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ जाएगा और इसी मोबाइल नंबर पे ही आपके पास ओटीपी जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि साइड मेन्यू में आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे एक एपीआई रजिस्ट्रेशन का मेन्यू है, उसको क्लिक किया और उसके अंदर यूज़र क्रेडेंशियल्स का एक मेन्यू आएगा। यूज़र क्रेडेंशियल्स के मेन्यू में क्लिक किया और यहाँ पे क्रिएट एपीआई यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्रिएट एपीआई यूज़र में क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे में एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे। वो ओटीपी हमको यहाँ पे एंटर, ओटीपी टाइप करने के बाद हम लोग वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर GSTN फॉर एपीआई इंटरफेस, तो यहाँ पे हमने थ्रू GSP सिलेक्ट किया। थ्रू GSP सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिनेकल, पी फॉर पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड आपको सिलेक्ट करना है। पिनेकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी API क्रेडेंशियल्स बनानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं API क्रेडेंशियल्स बना रहा हूँ, अर्जित 1234। तो ये पूरी आपकी API क्रेडेंशियल्स पूरी मानी जाएगी, API_ अर्जित 1234 जो भी कैपिटल लेटर्स में है उसका ध्यान आपको रखना है। और यही क्रेडेंशियल्स आपको अपने ERP में JSON या फिर API पोस्ट करते समय आपको यही क्रेडेंशियल्स वहाँ पे मेंशन करने हैं। यही आपकी API यूज़र ID है और यही आपका पासवर्ड है, जो पासवर्ड हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको सबमिट क्लिक कर देना है।